भगवान शिव अद्भुत देवता है, बड़ा ही दयालु है, इसलिए उसे भोला कहते हैं, इसलिए उसे आशुतोष कहते हैं। आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोष, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, बहुत जल्दी खुश हो जाए। नारायण को प्रसन्न करने में बहुत समय लगता है, नारायण जल्दी प्रसन्न नहीं होते हैं, बहुत समय लेते हैं, लेकिन भगवान शिव थोड़ी सी सेवा करने से खुश हो जाते हैं। और ये दिव्य पुरुषोत्तम मास श्रावण मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना, और उसमें पुरुषोत्तम श्रावण अति उत्तम, एक तो श्रावण दूसरो उसमें पुरुषोत्तम लग गया, तो श्रावण पुरुषोत्तम हो गया, भगवान शंकर का अद्भुत महीना। अब हम लोग विद्येश्वर संहिता में प्रवेश कर रहे हैं। शिव महापुराण की पहली संहिता का नाम है विद्येश्वर संहिता, और विद्येश्वर संहिता में हम लोग प्रवेश करें। भगवान व्यास जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है। व्यास जी कहते हैं, आद्यांत मंगल मजात समान भाव मार्यम तमेश मजरा मर्मात्म देवम पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम संभावये मनसि शंकर मंबिकेशम संभावये मनसि शंकर मंबिकेशम। भगवान का ध्यान किया है, और ध्यान करने के बाद अब व्यास जी बोल रहे हैं, व्यासो वाचो, व्यास जी क्या कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। व्यास जी कहते हैं, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे, एक समय की घटना है, सारे ऋषि एकत्रित हुए, कहां हुए, तो कहा धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संग में। कालिंदी नाम माँ जमुना का है, और गंगा और जमुना का संगम कहाँ है, प्रयाग, तीर्थों के राजा प्रयाग में संगम है। तो व्यास जी ने स्पष्ट कर दिया, धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगम, और आगे क्या लिखा, प्रयागे परमे पुण्य। ये कौन सी जगह है, बोले तीर्थों के राजा प्रयाग। प्रयाग में बहुत सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ ऋषियों के द्वारा, विधर्मियों ने प्रयाग का नाम बदल दिया, अल्लाहाबाद कर दिया, हरिगढ़ का अलीगढ़ कर दिया, भाग्यनगर का हैदराबाद कर दिया, और इंद्रप्रस्थ का दिल्ली कर दिया। वो तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए हैं तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, इसलिए उनने इलाहाबाद हटाकर प्रयाग कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या धाम हो गया, अयोध्या ही जिला हो गया, लखनऊ के भी नाम की चर्चा चल रही है कि लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, क्योंकि यहां तक मेरे राम जी
लखन लाल जी परमात्मा की सर्वसत्ता थी। तो प्रयाग में सुंदर यज्ञ का आयोजन हुआ और वहां सारे ऋषि मुनि आए हैं। देखो प्रयाग भी, कभी कभी प्रयाग को भी कहीं जाना पड़ता है। हम लोग जाते हैं प्रयाग में, संगम में गोता लगाते हैं, किस लिए? हमारे पाप धुल जाएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे, इसी भाव से जाते हैं। लेकिन प्रयाग भी अपने पाप धुलने कहीं जाता है, वो कहां जाता है? एक समय की घटना है, हमारे राजा विक्रमादित्य बहुत बड़े प्रतापी राजा हुए, अवंतकापुरी उज्जैन के राजा हुए। तो राजा विक्रमादित्य श्रीधाम अयोध्या जी गए और अयोध्या जी में स्नान करके सरयू किनारे बैठे थे। तब तक एक व्यक्ति आया घोड़े में सवार होकर के। ये दृश्य श्री विक्रमादित्य देख रहे थे। देखा घोड़ा भी काला है और घोड़े में जो बैठकर आया वो भी काला है, दोनों ही काले थे। लेकिन दोनों ने सरयू में प्रवेश किया, घोड़े ने भी और सवार ने। थोड़ी देर के बाद दोनों निकले तो देखते क्या है कि चांदी की तरह चमचमा रहे। आदरणीय विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा, श्रीमान आपका परिचय हम जानना चाहे थे, आप कौन हैं, कहां से आए हैं? उन महाशय ने अपना परिचय दिया, कहा कि मेरा नाम प्रयाग है, मैं सभी तीर्थों का राजा हूं, जितने धरातल पर तीर्थ हैं सबके राजा का नाम है प्रयाग और गुरु का नाम है पुष्कर ब्रह्मा जी। बोले मैं सभी तीर्थों का राजा हूं। तो पूछा कि आपका ये स्वरूप कैसे बदल जाता है? आप आए थे एकदम काले, आपका घोड़ा भी काला और यहां थे आप एकदम सफेद हो गए, निर्मल हो गए, वो कैसे? तो प्रयागराज ने कहा कि मैं साल भर लोगों के पाप धुलता हूं, तो पाप धुलते धुलते मैं भी काला पड़ जाता हूं और मेरा ये वाहन भी काला हो जाता है। लेकिन जब रामनवमी का अवसर आता है, राम जन्म का अवसर आता है, जिह दिन राम जन्म श्रुति गावई तीरथ सकल तहां चले आवई, और उस समय मैं आकर यहां गोता लगाता हूं सरयू में, तो मेरे भी पाप धुल जाते हैं, मेरे वाहन के भी पाप धुल जाते हैं। ऐसी अवध की महिमा, सरयू की महिमा प्रयागराज ने बताई है। और आज जो अयोध्या देख रहे ना, ये अयोध्या का जीर्णोद्धार किसी ने करवाया तो राजा विक्रमादित्य ने ही करवाया, और वो भी प्रयागराज जी के कहने पर करवाया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए हो, बड़े प्रतापी राजा हो, आपकी बड़ी ख्याति होगी, आज भी उनके नाम पर संबत चल रहे हैं, राजा विक्रमी संबत, जितने भी होते हैं विक्रमी संबत ही है। तो प्रयागराज ने कहा कि आप अयोध्या जी का जीर्णोद्धार करवाइए। बोले मुझे कैसे मालूम कहाँ राम जी का जन्म हुआ है, कहाँ दशरथ जी की गद्दी में कैसे अनुभव करूंगा? तो तीर्थों के राजा प्रयाग ने कामधेनु गाय का आवाहन कर दिया। कामधेनु आई, आगे आगे गाय चलती है और पीछे पीछे महाराज विक्रमादित्य चलते हैं। गाय के साथ जो जो क्रिया बताई, जहां गाय ने दूध छोड़ा वहां मेरे प्रभु का जन्म हुआ, जहां गाय ने गोबर छोड़ा वहां महाराज दशरथ जी का महल था। इस तरह से महाराज अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया है। ध्यान देना, आज यहां पर व्यास जी कह रहे हैं तीर्थों के राजा प्रयाग में एक बार बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन हुआ, सारे ऋषि मुनि आए, महर्षि आए, बड़े बड़े अमलात्मा दिव्यात्मा महापुरुष आए। इसी बात को गोस्वामी जी मानस में अंकित करते हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई, माघ मकर गत रवि जब होई।
देव धनुज की नर नर से देव धनुज की।